Hello friends, I welcome you all. So in this video we are going to see about the Sayyid dynasty. Sayyid dynasty के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में. So ये dynasty कोई इतना ज़्यादा important नहीं थी, but क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में आती है, so इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ idea होना चाहिए. तो इसके अंदर basically हमें दो point पे ध्यान देना है कि सैयद dynasty की स्थापना किसने की, okay, and last में कौन था ruler, first and last. और बीच में एक आ जाएगा मुबारक शाह, बस इतना ही हमें याद रखना है, बाकी इसके अंदर और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो खिज्र खान, द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वाज खिज्र खान. उसने फाउंड किया था, उसने स्थापना की थी सैयद डायनेस्टी की, कब? 1414 में. ओके, ही वॉज नोन टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉज वेरी सॉफ्ट नेचर्ड. तो वो कैसे भी नेचर का हो, उससे कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो गया, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज खिज्र खान. ओके, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो खिज्र खान ने की. एंड कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में हुई, तो 1414 में. तो ये हमें याद रखना. उसके बाद फिर खिज्र खान के बाद नेक्स्ट जो रूलर आता है वो है मुबारक शाह. आफ्टर डेथ ऑफ खिज्र खान हिज सन मुबारक शाह सक्सेडेड हिम ऑन द थ्रोन. ओके, खिज्र खान के मरने के बाद उसका बेटा मुबारक शाह जो है वो राजगद्दी पे बैठता है. एंड मुबारक शाह जो है वो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा बिकॉज द सिटी ऑफ मुबारकाबाद वॉज फाउंडेड बाई हिम इन 1433. तो ये ईयर नहीं पूछेंगे बट पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ मुबारकाबाद किसने इस्टेब्लिश किया था. तो सिटी ऑफ मुबारकाबाद इस्टेब्लिश किया था मुबारक शाह ने. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट रूलर था इसके अंदर मोहम्मद शाह. आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक शाह हिज ब्रदर्स सन मोहम्मद शाह सक्सीडेड हिम सिंस मुबारक शाह डिड नॉट हैव ए सन. जब मुबारक शाह की मृत्यु हुई तब उसके भाई का बेटा कौन था? वो था मोहम्मद शाह. वो राजगद्दी पे बैठा. क्यों? क्योंकि मुबारक शाह का कोई बेटा नहीं था. ही वॉज नॉट एन एबल रूलर. मोहम्मद शाह जो था उतना कोई अच्छा राजा नहीं था. अब मोहम्मद शाह के बाद आ जाता है आलम शाह. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का. आलम शाह, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह His son took over the throne. मोहम्मद शाह के मरने के बाद उसका बेटा आलम शाह राजगद्दी पे बैठता है. During the year of 1447, he visited a place called Baduan and loved it so much that he decided to stay there forever. 1447 में क्या होता है, ये आलम शाह जो है वो कहीं घूमने के लिए जाता है एंड उस जगह का नाम है बदवन. तो जब वो बदवन में घूमने के लिए जाता है तो उसको वो जगह इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो वापस आने से मना कर देता है. बोलता नहीं, मैं तो अब यहीं पे रहूँगा. उसके बाद फिर वो जो अच्छा खासा चल रहा था सल्तनत रूल, उसको छोड़ के वो वहाँ जाके बस गया. और यहाँ पे क्या हुआ, सैयद डायनेस्टी यहीं पर ख़त्म हो जाती है. इसके बाद फिर लोदीज आ जाते हैं. सो ये था सैयद डायनेस्टी के बारे में. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उतना ही हमने देखा है. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में हम देखेंगे लोदी डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी लास्ट होंगे अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.